नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासकीय भूमि पर लगभग प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। एक क्विंटल से अधिक गांजा जब्त, एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। छुरी से की दोस्त की हत्या, हत्या कर आरोपी फरार। मजदूर की पिटाई का वीडियो आया सामने, भलाई समाज ने लगाई न्याय की गुहार। जुलाई को उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था, जिसमें विकास दुबे की गिरफ्तारी में 6 नागरिकों ने मदद की थी, जिन्हें अब प्रशासन की ओर से इनाम दिया जाएगा। बता दें, विकास दुबे को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जो कि अब उज्जैन के उन नागरिकों को मिलेगा जिन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार करने में प्रशासन की सहायता की थी। इस मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें 6 लोगों के नाम चयनित किए गए हैं, जिसके बाद यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज दी गई है। मैं जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर में कुछ पुलिस कर्मियों को पुरस्कार मिलने जाना है, और उसको लेकर क्या नाम दिए हुए हैं और कौन कौन लोगों को सम्मान दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विकास दुबे का जो प्रकरण था, उस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, उसमें जो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, वास्तव में उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति और 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 पुलिस आरक्षक जो उस समय मौके पर मौजूद हुए थे, उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, जिनके नाम हमने अनुशंसा से आगे प्रेषित कर दिए हैं। कब तक संभावना करेंगे? जो कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, हमने अनुशंसा के साथ भेजे हैं। अंतिम निर्णय कानपुर पुलिस का होगा, वो उस पर क्या निर्णय लेते हैं ये उनसे। कानपुर में उनको नाम देने के लिए जाना है, तो वहाँ के जो फूल जो रेत का नाम घोषित किया, तो बोल रहे थे कि रिग से वहाँ से जाना है, तो उनकी सिक्योरिटी नहीं निश्चित। तो देखिए, अभी ये विषय बहुत अर्ली स्टेज में है, ये हमने अनुशंसा भेजी है, उस अनुशंसा के आधार पर वहाँ से क्या आता है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको सुरक्षा भी दी जाएगी। महितपुर तहसील के ग्राम पंचायत महितपुर रोड में बरसों पहले एक शुगर मिल संचालित की जाती थी, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में गन्ना आता था और गन्ने से शक्कर बनाने का काम किया जाता था। लेकिन क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन कम होने के कारण फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, जिसके बाद तत्कालीन विधायक कल्पना पुरुलेकर ने इस फैक्ट्री को सहकारिता विभाग के जरिए शुरू कराने के प्रयास भी किए थे, लेकिन वो प्रयास असफल रहे। ग्राम पंचायत में फैक्ट्री के आसपास सरकारी जमीन पर गरीब लोगों को रहने के लिए फैक्ट्री के मकान आवंटित कर दिए गए थे, ताकि फैक्ट्री के पास बस्ती रह सके और फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इससे कुछ समय पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा घरों में रहने वाले लोगों को निकाल दिया गया। अब फैक्ट्री के पास एक शासकीय भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। दबंगों ने तार फेंसिंग कर शासकीय भूमि पर अपना बोर्ड लगा दिया है। इस संबंध में कई लोगों ने अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि पूरे मामले में तहसीलदार और पटवारी दोनों के पहलू अलग अलग नजर आ रहे हैं। पटवारी भागीरथ चौहान के अनुसार, जिस भूमि पर कब्जा किया गया है, वो जमीन पूर्व में हिम्मत लाल के नाम से थी और वो जमीन को पीयूष महेश्वरी, विनोद कुमार और सुनील ने खरीद लिया है। जबकि तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा का कहना है कि विधिवत प्रक्रिया के तहत जमीन का सीमांकन और नामांतरण किया गया है, जबकि जमीन बेचने के संबंध में शुगर मिल के फैक्ट्री मालिक गोविंद राम को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में रहवासियों ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। मालूम नहीं चल रहा जो है, या पहला मिल नहीं करता था, अब निजीकरण की पटेल दी है, अब एकरण पटेल दी है, मना है कि तू साइन मत करना, नहीं मत वहाँ जाना ही मत। जैसे अभी ये मसला ये आता है कि जैसे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो पहला प्रशासन ने जो उनको निकाला था, ऐसा कार्रवाई की थी, उस समय ये निजी जमीन नहीं थी, घंटे पे आना सब लिखा जाता वहाँ आया था साहब ने सब। तो क्या हुआ था उस समय? सबने निकाल दिया था, सबको निकाल दिया था, सब कमरा खाली कर दिया था। उस समय निजी नहीं थी ये जमीन?
जी बताए आपको प्रॉपर्टी के बारे में। मैं 1973 से शुगर मिल में पोस्टिंग हुआ हूँ गन्ना विभाग में जी। जब से मैं शुगर मिल में कार्यरत हूँ उस क्षेत्र में यानी महितपुर तहसील, तराना तहसील, पटनगर तहसील, आलूर तहसील, खाचरौद तहसील, इसमें गन्ना आता था शुगर फैक्ट्री में। यहाँ गन्ना सेंटर थे 26-27 गन्ना सेंटर थे। इस फैक्ट्री का पूरा सांसदी सेट पूरी आती है इसमें। इसका मेन मालिक कौन है? इसका प्रॉपर्टर कालूराम गोविंदराम है। तो निजी जमीन है तो पहले इनसे सेठ लोगों से लेना चाहिए ना, जब कारखाना चल रहा था। तो जब कोई भी था विवाद, आज कारखाना बंद होने के बाद में जब ये विवाद उठ रहा है तो पहले कारखाना चालू था तो उस टाइम लेना चाहिए आप लोगों को। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा था, हाँ तो ये तो प्रॉपर्टी जब फैक्ट्री का ताला लगा दिया तो उसके बाद में इसमें कुछ कल्पना परुले करने ली थी इसको सहकारिता के माध्यम से चलाने के लिए कि मैं इसको सहकारिता में चलाऊंगी। तो इन्होंने सहकारिता में चलाया नहीं इस कारखाने को, कुछ ताला वाला खोल के देखा इन्हें चलने लायक था या नहीं था, इसमें कुछ सामान वामान था, इन्होंने सब ताला खोला था और उसके बाद में कुछ किराए से दे दिया था इन लोगों को रहने के लिए। उधर बाहर में भी इनकी प्रॉपर्टी है, इधर ग्राम पंचायत के उधर भी है, बाजार में है, क्वार्टर से हैं, इधर भी है। यहाँ पे इसमें सभी रहते हैं गरीब, जिनके पास में रहने के लिए नहीं है तो ग्राम पंचायत ने दिया इनको, जिनके पास बेचारों को रहने के लिए है भी नहीं कुछ भी, उनके मकान अकान नहीं है, उनको दे दिया आप लोग वहाँ रहो ताकि इसको कोई उजाड़े नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं करे, आप लोग की निगरानी रहे ताकि बस्ती बनी रहे तो इसको उजाड़ नहीं करे कोई। पिता का नाम रतन सिंह, जाति राजपूत हूँ। ये सन 1941 के अंदर जब ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ उस समय सेठ गोविंदराम शुगर मिल्स की ये फैक्ट्री थी। उसके बाद में ये जमीन जब उनके नाम पे होने के बाद जब फैक्ट्री चली तो इसका मेन गेट पर सामने बनाया गया, जिसका स्वरूप आज तक कायम रहा। और अब न जाने किस किन किनों ने मिल करके ये फैक्ट्री के जमीन को निराकरण करके और टुकड़ों में बांट करके और बेच रहे हैं, और ताकि हम जैसे गरीब आदमी जो यहाँ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे दिन काट रहे हैं, ये सरकार समझती नहीं है। नया नई कैसी सरकार बैठी है जो आज तक सबको वापड़ों को मकान तोड़ रहे हैं, सुबह 9 बजे से आ जाते हैं तोड़ने वाले, क्या है ये, कैसे काम चलेगा इस हिंदुस्तान का? आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच से या सचिव से बात करी थी? सबसे बोला सब बोलते बहुत कागज दे चुका है, कोई सुनवाई नहीं, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बस ये पट्टे दिए गए और इसमें बोला हाँ हो जाएगा, उसके बाद में बोला कि नष्ट हो गए, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। नहीं अभी जो मकान खाली कराना आया था ये किसने बोला था खाली करने का? ये तो जो है जिनकी जगह बता रहे हैं, ये हमारी जगह है, हमारे पिताजी की निकली है, तो ये आप खाली कर दीजिए। मैं तहसीलदार का काम है कि वो सीमांकन का आदेश करता है, सूचना देने का कार्य जो राजस्व निरीक्षक है उनके द्वारा दी जाती है संबंधित पड़ोसी कृषकों को। सर वहाँ पे कुछ ऐसा विषय हुआ था जैसे रास्ता, वो शुगर मिल का रास्ता भी उस जमीन के अंतर्गत आ रहा था सर, ये जो रास्ता का जो विषय है वो सर आपके अधिकार में है? बिल्कुल, यदि रास्ते का कोई किसी को ऐसा लगता है कि रास्ता कोई बाधित कर रहा है तो धारा MPLRC की धारा 133 के अंतर्गत तहसील कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है। जिसकी संबंधित सर जमीन जो वहाँ पे है उनको सर सूचना दी गई थी सर? ये आपको संबंधित राजस्व निरीक्षक ही बता पाएंगे, ये आपको पंचायत से पूछना पड़ेगा कि 645 सर्वे नंबर कहाँ का उनको पट्टा दिया, किस क्षेत्र से वहाँ रह रहे हैं। नहीं पर यदि आप कह रहे हो ये पंचायत का मामला है, पट्टा अगर पंचायत ने जारी करा है तो जानकारी वही दे पाएंगे। और थोड़ा एक विषय सर, प्रशासन के द्वारा जो उन्हें खाली करा गया था अगले सत्र को, तो सर ये प्रशासन किस आधार पर उनको खाली करा था? ये पूर्व में स्वयं हिम्मत लाल का स्वरूप की जमीन है और सर्वे नंबर 345 है उसमें, और ये जो मकान है सीमांकन के वक्त उसमें निकले है। पूर्व में उनको नोटिस दी गई थी? ये मुझे जानकारी नहीं, नोटिस दिए रिकॉर्ड तो मेरे पास, तो रिकॉर्ड जो खसरा ब्यूरो जो बोल रहा है
वही हिम्मत लाल बिरला स्वरूप के नाम से ही बोल रहा है, ना कि शुगर मिल सेठ गोविंद राम के नाम से बोल रहा है। टोटल कितनी जमीन का सीमांकन किया गया है? अपन ने 1.22 हेक्टर है भाई। मेरे पास तो 345 का रिकॉर्ड है, 645 का मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। इंदौर एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें एक क्विंटल से अधिक गांजा आरोपियों से बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। दरअसल एसटीएफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खालघाट की तरफ आने वाली बसों से दो युवक रोजाना आते जाते हैं, इनके पास मादक पदार्थ भी होते हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद इन आरोपियों पर निगाह रखी गई। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि खालघाट की तरफ से एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार आ रही है, जिसमें मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी भी हैं, जिसके बाद इन आरोपियों की घेराबंदी की गई। कार की तलाशी लेने पर कार में रखा एक क्विंटल से अधिक गांजा पुलिस ने बरामद किया। गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा अवैध मादक पदार्थों के जो गैंग के विरुद्ध एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 1 क्विंटल से अधिक मात्रा में गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक है। इनसे एक स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त हुई है। 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं, इसमें 3 आरोपी जिला धुले महाराष्ट्र के रहने वाले और 2 आरोपी जिला बड़वानी के रहने वाले हैं। अभी इन आरोपियों को और मादक द्रव्यों को जब्त करने के उपरांत NDPS एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा 9 तारीख तक का इनका पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके क्या संपर्क सूत्र, अन्य जो संबंध हैं, पूर्व में कब कब यह इंदौर सप्लाई किए हैं और कहां और इनका सप्लाई रूट रहते हैं, कौन इनके सहयोगी हैं, उनकी जानकारी निकाली जाए। लगातार वाहन चालकों की लापरवाही और सड़कों के व्यवस्थित न होने के कारण लगातार सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के चलते मानपुर धार जिले के गणेश घाट में एक बार फिर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें खरगोन जिले के काकड़ता क्षेत्र में इंदौर की ओर से आ रही आयकर की गणेश घाट उतरते समय अनियंत्रित हो गया और मुंबई की ओर से आ रहे ट्राले से जा भिड़ा। इस हादसे में टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के घायल वाहन चालक को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन वहीं अंदाजन 3 लोगों की जलकर मरने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। इंदौर जिले के बेटमा थाने के अंदर आने वाले एक माचल निवासी मजदूर का दलोताबाद के कुछ दबंगों ने अपहरण कर क्रूरतापूर्वक उसकी पिटाई की। बता दें, दबंगों ने मजदूर पर डीजल चोरी का आरोप लगाया, जिसके चलते उन्होंने मजदूर के साथ मारपीट की। साथ ही इस घटना की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें दबंग मजदूर को बुरी तरह से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन देने की बात कही है। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आई है, जहां पर थाना तलेया क्षेत्र में अरीब नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, एडिशनल SP राम स्नेही शर्मा ने बताया कि मृतक अरीब और आरोपी जेब और वजाब आपस में दोस्त थे और उन्होंने ही अरीब की छुरी से हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मृतक अरीब के मामा तनवीर का कहना है कि हत्या का कारण पैसों का लेन देन हो सकता है। तनवीर खान, तनवीर कैसे मर्डर हुआ है, क्या मर्डर? साथ में रहते थे, आपस में रहते थे वो लोग। वो मर्डर किस बेस पे हुआ, इसका आइडिया नहीं है मुझे। मैंने बस 3 लोगों ने आपसी रंजिश का पता नहीं, बस ये है कि भांजा कमाते वगैरह भी थे, तो शायद कुछ छिनम छानी या कुछ ऐसा पैसे वगैरह कुछ ऐसा शैतानी दिमाग छाया उन लोगों का, क्यों आइडिया कुछ भी नहीं। मैं खुद समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। ये पहले भी हो चुकी है क्या? पहले का आइडिया नहीं, वो तो अभी अभी बॉम्बे से आया था मिलने के लिए हम लोगों से, शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। 10 तारीख की उसकी टिकट भी थी जाने की। जी। क्या किस तरह से दोस्ती में क्या हुआ मुझ में नहीं आ रहा। कितने साल का? 24 साल का। कितने बजे की घटना है, आपको कैसे पता चला?
घटना 10:15 समथिंग की घटना है। मुझे पता चलने की वजह ये रही कि मुझे भीड़ दिखी, उस भीड़ को देखने के लिए कि क्या हुआ, तो उस भीड़ में से यही मेरा भांजा निकल कर आया। वो जो पेट वेट पकड़ा हुआ था, खून वून बह रहा था उसका, तो उसी दौरान उसको हम लोग अपने साथ लेके आए हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि सीरियस कंडीशन है, बस वो सीरियस कंडीशन हो, वो बचा नहीं, वो चले गए। क्या लगता है आपको, क्या हंसी मजाक में मारा गया जिस तरह बताया जा रहा है? मुझे नहीं लगता सर कि हंसी मजाक में मारा, क्योंकि हंसी मजाक में छुरी कैसे चलने लगी? किसने मारा है पता है आपको? और नाम सुनाए में कोई फहीम बम का लड़का है वो, ऐसा कुछ नाम सुनाए में आया। हाँ, अभी देर रात घटना हुई है टोल वाली मस्जिद के पास में, जो आपस में दोस्त हैं, और ऐसा पता लगा हुआ है कि अरीब को उसके साथी दारान उजेफ और भाप के द्वारा छुरी से हमला किया गया है। जैसे ही हॉस्पिटल सूचना मिली, पुलिस आई हुई है और देखा गया है कि जो पीड़ित है उसकी मौत हो गई है, तो अपराध धारा सदर में इजाफा किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। राष्ट्रीय सहारा के प्रतिनिधि और 2 दशक से पत्रकारिता में ईमानदारी और निष्ठा से काम कर अपना नाम हमेशा अमर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामायण यादव की हृदय गति रुक जाने से असमय मौत हो गई, जिसके बाद बांसी धाम से सटे बांसी नदी किनारे मौजूद रामघाट पर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामायण यादव के अंतिम संस्कार में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।